नमस्ते दोस्तों, अभी तक हमने कन्वेक्शन के बेसिक्स, कन्वेक्शंस के जो अलग अलग फॉर्म्स यानी कि फ्लुइड्स जो है उसके फ्लो के बारे में बात की। उसके अलावा अभी हमने रिलेशन डिराइव किया था जो था इंडिविजुअल और ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट के बारे में, और अभी हम बात करेंगे फाउलिंग फैक्टर के बारे में। तो नॉर्मली अगर आप कोई भी इंडस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे तो उसमें हीट एक्सचेंजर के डिवाइसेस रहते हैं, या फिर आप जैसे आप इवेपरेटर, कंडेंसर, रीबॉयलर, शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर्स, वेपराइजर्स, ऐसे बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं जहां पे आपको शायद करोजन या करोजन जैसे इश्यूज, जैसे कि यहाँ पे स्केल फॉर्म होना या डर्ट डिपॉजिट होना, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, और वही आपको यहाँ पे डिस्कस करना है जिसको हम कहेंगे फाउलिंग। तो फाउलिंग का मतलब क्या है कि फाउलिंग यानी कि जो भी हीट एक्सचेंजर आप यूज करते हैं, जैसे अगर हमने कंसिडर कर लिया कि ये आपका हीट एक्सचेंजर है, तो ये हीट एक्सचेंजर के आउटसाइड सरफेस पे अगर स्केल या डर्ट डिपॉजिट होता है, तो यहाँ पे आपका इंडस्ट्री का जो एनवायरमेंट है उस हिसाब से जो भी प्रोसेस रहेगी उस हिसाब से यहाँ पे डर्ट डिपॉजिट हो सकता है। तो यहाँ पे अगर डर्ट डिपॉजिट हुआ, या फिर आप जो वाटर यूज कर रहे हैं अगर वो वाटर की हार्डनेस ज्यादा होती है, या फिर उसका पार्ट्स पर मिलियन में उसका अमाउंट ज्यादा होता है, या फिर उसमें जो कैल्शियम या मैग्नीशियम के सल्फेट या फिर क्लोराइड्स अगर ज्यादा होते हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पे स्केल फॉर्मेशन के भी चांसेस रहते हैं या फिर स्लज फॉर्मेशन के भी चांसेस रहते हैं। इसके अलावा अगर आपके प्रोसेस में, ओवरऑल एनवायरनमेंट में या डिपार्टमेंट में कुछ अलग केमिकल्स या गैसेस या पार्टिकुलेट मैटर वहां पे रहते हैं, तो वो भी यहाँ पे फॉरेन मटेरियल जो रहेंगे वो भी डिपॉजिट होने के चांसेस। तो अगर कोई ऐसी स्केल डिपॉजिट होगी या डर्ट डिपॉजिट होगा या कोई अदर सॉलिड या फॉरेन मटेरियल्स अगर डिपॉजिट होते हैं, चाहे वो आउटसाइड से हो या फिर इनसाइड से हो, तो उसको हम कहेंगे फाउलिंग। ठीक है, तो अभी ये जो फाउलिंग है, तो ये फाउलिंग फैक्टर हीट ट्रांसफर में या कन्वेक्शन फिनोमिना में इंपॉर्टेंट क्यों है। जैसे अभी हमने बात की थी कि जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर रहता है, तो वो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर जो आपका है वो जनरली हम डेल्टा टी बाय आर से डिनोट करते हैं, यानी कि आपका जो ड्राइविंग फोर्स है, टेम्परेचर ड्रॉप या टेम्परेचर डिफरेंस, और दूसरा है रेशो थर्मल रेजिस्टेंस। तो इसका जो रेशो रहेगा वही रेट ऑफ हीट ट्रांसफर रहेगा। तो अभी ये जो थर्मल रेजिस्टेंस है, जैसे हमने पहले बात की थी, अगर आपका कंपोजिट वॉल है और आपके यहाँ पे तीन मटेरियल आप यूज कर रहे हैं, तो वहां पे ये जो R है वो बन जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर आपका सिलेंडर केस है या फिर आपका स्पीयर केस है, तो शायद यहाँ पे ये रेजिस्टेंसेस रेडियस फॉर्म में, या फिर अगर यहाँ पे इंसुलेटिंग लेयर्स रहेंगे तो ये भी रेजिस्टेंस वहां पे बढ़ते जाएंगे, आपको ऐड करना पड़ेगा। अभी जब हम बात कर रहे हैं कि स्केल्स, डर्ट या फॉरेन मटेरियल्स या स्केल या उसके अलावा स्लज, तो यहाँ पे चाहे वो इनसाइड रहो या आउटसाइड रहो, तो ये मटेरियल जब डिपॉजिट होता है तो उसका स्पेसिफिक थिकनेस होगा। तो ये जो थिकनेस है, तो ये मटेरियल का जो प्रॉपर्टी रहेगा, जैसे हमने बात की थी थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में, तो ये स्केल का या फॉरेन मटेरियल का, डर्ट का, जो भी थर्मल कंडक्टिविटी रहेगा और उसका जो थिकनेस रहेगा, उस हिसाब से उसका ये थर्मल रेजिस्टेंस डिसाइड होगा। क्योंकि हम थर्मल रेजिस्टेंस नॉर्मली कैसे लिखते हैं, एक्स अपॉन के ए, अगर सिलेंड्रिकल स्फेरिकल केस रहेगी तो उसको लिखते हैं R2 माइनस R1 अपॉन के ए एम। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, ये थिकनेस या फिर ये R2 माइनस R1 का डिफरेंस, ये भी इनडायरेक्टली थिकनेस आता है, और ये थर्मल कंडक्टिविटी। तो ये जो भी मटेरियल यहाँ पे डिपॉजिट होते हैं इनसाइड या आउटसाइड में, तो उसका थिकनेस कितना है और उसका थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, उसके बेसिस पे ये थर्मल रेजिस्टेंस
तैयार होगा। और ये जो अभी हम कॉम्पोजिट वॉल के लिए जैसे हमने ये तीन रेजिस्टेंस कंसिडर कर लिए, तो उसमें ये थर्मल रेजिस्टेंस ऐड होने वाला है, और ये थर्मल रेजिस्टेंस फॉलिंग फैक्टर कहता है। तो ये फॉलिंग की वजह से अगर थर्मल रेजिस्टेंस ऐड होता है तो उसको नॉर्मली आरएफ से या आरडी से डिनोट करते हैं। तो ये आरडी का मीनिंग क्या है कि ये हमने डिजाइन के टाइम ही हमने उसको कंसिडर कर लिया कि यहाँ पे ये फॉलिंग के चांसेस है, और उसकी वजह से अगर थर्मल रेजिस्टेंस यहाँ पे बन सकता है, और अगर थर्मल रेजिस्टेंस बढ़ता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख लिया कि ये पहले वैल्यू थी R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, लेकिन जैसे ही यहाँ पे फॉलिंग हुआ है तो ये प्लस RF या RD हो गया, और उसकी वजह से ये थर्मल रेजिस्टेंस बढ़ गया। अगर यहाँ पे थर्मल रेजिस्टेंस बढ़ता है तो आपका रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कम हो जाएगा, क्योंकि Q इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो थर्मल रेजिस्टेंस डिनोमिनेटर साइड अगर बढ़ती है तो उसकी वजह से रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कम हो जाएगा। तो ये इंडस्ट्रीज में हीट एक्सचेंजर्स या जो भी इक्विपमेंट्स रहते हैं वहां पे जो हम कंसिडर करते कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इतना होना चाहिए, लेकिन फाउलिंग की वजह से यानी कि स्केल डर्ट स्लज डिपोजिशन की वजह से रेट ऑफ हीट ट्रांसफर एक्चुअली ये कम होता है। तो ये कम क्यों होता है, ये अभी मैंने बताया कि यहाँ पे थर्मल रेजिस्टेंस बढ़ता है और उसकी वजह से रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कम हो जाएगा। तो अभी आपको कैलकुलेशंस में अगर ये फॉलिंग फैक्टर कंसिडर करना है तो उसको हम कैसे लिखेंगे। तो नॉर्मली जो अभी हमने डेरिवेशन लिया था ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट और इंडिविजुअल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट का, तो ये इक्वेशन था एक 1 बाय यू इक्वल टू 1 बाय एच आई प्लस एक्स डब्ल्यू बाय के प्लस 1 बाय एच ओ। तो यहाँ पे हमने बात की थी कि ये इंडिविजुअल और ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट का रिलेशन है, और इसमें ये जो है पहला इनसाइड के हिसाब से ये थर्मल रेजिस्टेंस है 1 बाय एच आई, एक्स डब्ल्यू बाय के जो है ये वैल्यू है सेकेंड थर्मल रेजिस्टेंस, और 1 बाय एच ओ आउटसाइड के लिए है थर्ड रेजिस्टेंस। तो ये इनसाइड जो फ्लो है या लिक्विड है उसका रेजिस्टेंस है, ये आउटसाइड का रेजिस्टेंस है, और ये मेटल वॉल का रेजिस्टेंस है। अभी अगर स्केल डर्ट फॉरेन मटेरियल अगर डिपॉजिट होता है तो उस हिसाब से यहाँ पे रेजिस्टेंस ऐड होगा आरडी, ठीक है। तो ये जो आरडी फैक्टर है ये है आपका फॉलिंग फैक्टर। और ये जो आरडी है ये आरडी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे हम लिखेंगे आरडी आई प्लस आरडी ओ। इसका मीनिंग क्या है कि जो भी आपका हीट एक्सचेंजर है उसमें पाइप रहो या स्पेयर रहो या प्लेन वॉल रहो जो भी है, अगर इनसाइड में भी स्केल डिपॉजिट होता है आउटसाइड में डर्ट डिपॉजिट होता है तो ये दोनों के लिए फाउलिंग हुआ है इनसाइड और आउटसाइड के लिए। तो वहां पे आपको फाउलिंग फैक्टर ऑफ इनसाइड फॉलिंग फैक्टर ऑफ आउटसाइड ये दोनों रेजिस्टेंसेस ऐड करना पड़ेगी, तो ये रहेगा ओवरऑल फॉलिंग फैक्टर। तो ये जो आर डी है तो ये आपको ये इक्वेशन में ऐड करना पड़ेगा, और ये इक्वेशन मॉडिफाई हो जाएगा 1 बाय यू इज इक्वल टू 1 बाय एच आई प्लस एक्स डब्ल्यू बाय के प्लस 1 बाय एच ओ प्लस आर डी। तो ये आर डी इंपॉर्टेंट है जिसको हम कहेंगे फॉलिंग फैक्टर। तो इनकेस अगर आपके केस में अगर इनसाइड रेजिस्टेंस नहीं है सिर्फ आउटसाइड रेजिस्टेंस है तो ये जो आर डी है तो ये बन जाएगा आर डी ओ। इनकेस आपके इसमें आर डी ओ रेजिस्टेंस नहीं है सिर्फ आर डी आई है तो ये जो आपका आर डी है ये आर डी आई बन जाएगा। तो ये केस टू केस डिपेंड रहेगा, कंडीशन पे डिपेंड रहेगा कि आपका फॉलिंग फैक्टर क्या है। तो हमने ये जो ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट का अगर आपने देखा था जो यूनिट तो वो था वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, यू का यूनिट। तो ये 1 बाय यू है यानी कि ये जो आरडी है उसका यूनिट ये 1 बाय यू का ही रहेगा, तो उसका यूनिट बन जाएगा रेसिप्रोकल वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, यानी कि मीटर स्क्वायर केल्विन अपॉन वाट। तो अगर आपको
रिकॉल नहीं होता है कि ये यू का यूनिट कैसे आए, तो आप यहाँ पे चेक कीजिए, क्यू इक्वल टू यू ए डेल्टा टी रहता है और यू का यूनिट आपको फाइंड आउट करना है तो क्यू अपॉन ए डेल्टा टी आप लिख सकते हैं यू के लिए। और यूनिट वाइज अगर आप लिखेंगे तो क्यू का यूनिट है वैट, एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर, डेल्टा टी का यूनिट है केल्विन, तो ये यू का यूनिट बन जाता है वैट पर मीटर स्क्वायर केल्विन जो मैंने यहाँ पे लिखा है। और यहाँ पे वन बाय यू का यूनिट है आर डी का यूनिट, तो ये रेसिप्रोकल बन जाएगा इसलिए ये रिवर्स हो जाएगा मीटर स्क्वायर केल्विन अपॉन वैट, तो ये फॉलिंग फैक्टर का यूनिट है।